अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिलीशियस डिशेस बाय महमूदा। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी मजेदार चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिलीशियस डिशेस बाय महमूदा को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप्स बनाएंगे और फिर ग्रेवी तैयार करेंगे। तो चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। हमने 10 से 11 चिकन लॉलीपॉप्स लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सेजवान सॉस, 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, इसी के साथ डालेंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक एज पर टेस्ट, 1 अंडा, और इसी के साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गरम कर चुके हैं। अब इसमें चिकन लॉलीपॉप्स डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। तो ये चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। और अब ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 9 से 10 हरी मिर्चियाँ। हरी मिर्चियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना आप स्पाइसी खाते हो। इसी के साथ हमें चाहिए 2 इंच जितनी अदरक और 14 से 15 लहसुन की कलियाँ। इन सबको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। और साथ ही में हमें चाहिए 1.5 प्याज स्लाइस की हुई, और ये एक बड़ी शिमला मिर्च को हमने काट कर उसके पतले पतले स्ट्रिप्स बनाए हैं। और ग्रेवी में हम कुछ सॉसेस भी डालेंगे, तो सॉसेस का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबलस्पून हम डालेंगे सेजवान सॉस, 2.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, और सारी चीजों को आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम टमाटो केचप डालेंगे। अब सारे सॉसेस को अच्छे से मिलाकर साइड में रख देंगे। अब पैन को गर्म करके हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को भी गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चियां डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 30 से 40 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। इन्हें सौते करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें जो प्याज और शिमला मिर्च काट कर रखे थे वो डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम करके हम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे ऐसे चलाते हुए। तो प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गए हैं।
अब फ्लेम स्लो करेंगे और जो सॉसेस का मिक्सचर हमने तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब इन्हें मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब हम फ्लेम लो करेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें काले मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए चिकन लॉलीपॉप्स। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे चिकन ब्रॉथ। तो हम यहाँ पर 3 से 4 कप चिकन ब्रॉथ डाल रहे हैं। अगर आपके पास चिकन ब्रॉथ नहीं है तो आप उसकी जगह पानी भी यूज कर सकते हो, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप चिकन ब्रॉथ या पानी डालिए। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को हाई फ्लेम पर पकते हुए। अब इसे गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, और हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालकर ये घोल तैयार कर लिए थे। तो इसे हम हाई फ्लेम पर ही ऐड करेंगे ग्रेवी में, क्योंकि स्लो फ्लेम पर डालने से ये फटाफटा दिखेगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसे डालते जाएंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कम लग रहा था। आप भी नमक चेक करके ही ग्रेवी में नमक डालिए, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होते हैं और चिकन लॉलीपॉप और चिकन ब्रॉथ में भी हमने नमक डाले थे। और अब फाइनली हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी एकदम तैयार है। अब फ्लेम ऑफ करके हम इस पर ये चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डाल देंगे और इसे निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये डिलीशियस और टेस्टी चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी एकदम तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिलीशियस डिशेस बाय महमूदा को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई रेसिपी की वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।